फाइनली वो दिन आई गया जब मैं भी जिम गया इसके साथ। बाकी सही है, बढ़िया लग रहा है। सुबह जल्दी जगो, आराम से जिम विम जाओ। देखो ट्रैवलिंग में क्या रहेगा, बीच बीच में छूटेगा वो तो मुझे पता है, पर मैंने कि चलो 10 दिन भी जाऊँगा तो कम से कम जाऊँगा ना कुछ से तो कुछ बढ़िया है। बाकी वहाँ पर ट्रैवलिंग पर भी मैं सुबह जो है जगा करूँगा, वीडियो कॉल पर हम जो है सेवन फिर एक्सरसाइज करा करेंगे। मैंने इसको ना एज अ ट्रेनर हायर किया है, जिसको एक्सरसाइज करनी आती है, फॉर्म भी आती है, तो ये मेरे को अच्छे से ट्रेन करा करेगा, पैसे नहीं देने पड़ेंगे मुझे। इसके आज मैंने बहुत सारी एक्सरसाइज थोड़ी सही करवाई, टेढ़ी मेढ़ी कर रही थी। यस, मैंने कि चलो सही है। अभी कोई पर्सनल ट्रेनर होता तो वो देखता भी क्या कर रहा है, वो बंदा एक ही बेचारा सबको देखता रहता है। चलो अभी चलते हैं और जाके नहाएंगे धोएंगे अपनी एडिटिंग करेंगे। आज तो जल्दी जग गए, आज वैसे भी कम ही सोए हम, 5 घंटे सोए। कल से थोड़ा नींद का भी पैटर्न सही बन जाएगा कि जल्दी सोया करेंगे और फिर जल्दी जाया करेंगे। आलू टमाटर सुबह सुबह सही है, ठंडा मौसम लगता है यार। यार आज तो मेरा ना छोले कुलचे खाने का मन कर रहा है, और आज आज जिम कर रहा हूं मैं, आज ही और आज ही कचौड़ी बनेगी घर में आज। क्यों क्यों और प्रिया आएगी आज। अरे हाँ, अरे आज तो भैया दे मिठाई भी खानी पड़ेगी मेरे को। चलो कोई नहीं, 2-3 दिन अभी खा लेता हूँ, क्योंकि शुरुआत में डाइट में चेंजेस नहीं करनी चाहिए जब तुम एक्सरसाइज शुरुआत करते हो, क्योंकि एक्सरसाइज तुम्हें ऑलरेडी बहुत तोड़ती है। बहुत अच्छे तुम, मैं टेस्ट करा। हां ये भैया ब्लड टेस्ट करने भी आ गए, हमारा नहीं मम्मी का, मम्मी का और थायराइड। डर लग रहा है तेरे को? आज तुमने टेस्ट नहीं करवाया ब्लड टेस्ट? नहीं होगा, मैं नहीं होगा। खून ले जाएंगे तेरा 2 बजे। अब तो तुमने बस वैसे सुना हुआ खून चूस रहे हैं ये, आज भैया सही में खून चूस जाते हैं। कैसे लग रहा है भैया? इसके 2 सुई लगाना एक की जगह। नहीं सुआ चाहिए इसके, बड़े मोटे वाला। इतनी बड़ी तो सुई भी नहीं है। ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਖਣਾ ਮੰਮੀ ਸੇ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। विटामिन डी ले लो सुबह सुबह, इसके ऊपर हटा दे, इसे भी विटामिन डी डाल दे। चलो कर ले साफ कर ले। रोरू तुम्हारे बुआ ने तुम्हारे रिक्शे में टट्टी लगा दी, बचा लो मेरे को। साफ करो से ढंग से, रुरू तुम्हारे रिक्शे में टट्टी लगा दी, साफ करवाओ इसे। तो भैया अभी आज जो है आलू उबाले गए, क्योंकि आज आई थिंक कचौड़ी बनने वाली है ना, क्योंकि आज है भाई दूज, और भाई दूज पर जो है भाई आज प्रिया आने वाली है, तो इसीलिए आज जो है कचौड़ी बननी है प्रिया की वजह से। मतलब आज ही हम जिम करके आए हैं और आज ही हम कचौड़ी खाएंगे। वाह, तुम सब मीठा मीठा खाओगे तो नमकीन ना। अच्छा, और ये तो सुबह सुबह जो हम चाय पी रही हो, ये मम्मी सुबह सुबह जिंजर टी पिया करो, तुम थोड़ा छोड़ दो चाय, तुम्हारी एज होती जा रही है। मम्मी चाय बना लो, चाय पीऊंगा मैं, पी सकता हूँ ना, तुम्हारी एज होती जा रही है। मेरी चाय के लिए एज हो रही है, तुम्हारी चाय के लिए एज नहीं है। मैं पी सकता हूँ, ये कुछ भी कर सकते हैं, पर मैं भी कम पीता हूँ। मैं देखो सुबह चाय नहीं पीता, तो मैं मुश्किल से कभी कभार बोलता हूँ चाय पीने के लिए दिन में, तो मैं सिर्फ ट्रैवलिंग पे चाय पीता हूँ या फिर सिमन के घर जाके चाय पीता हूँ बस। कल तो हम भी नहीं पी ले, कल तो हम भी नहीं पिया।
ट्रैवलिंग पे ये पीते हैं, तुम्हारे घर जाके ये पीते हैं, कभी कभी ये पीते हैं, फिर रह गए हैं। हाँ, वो तो कल भी जरा मतलब ऐसी आदत नहीं है, मतलब ऐसी जेंट्स में जाके ये पीता है। हाँ, आदत नहीं है। एक नहीं, जेंट्स के में तीन तीन पीते हैं। नहीं, बाहर बाहर पीने में मजा आता ना, लास्ट टाइम नहीं पीना तो बस ऐसी होता है, आदत नहीं है कि हर बार ही पीऊंगा। अरे भाई, ये नहीं होती उठ के इतना कप भर के तुम चाय पियो, ये सही नहीं होती बॉडी के लिए। बड़े कप ले आई हूं, उन्हें भर के पिया करो। अब सर्दी आए भाई, मैं बड़े वाले कप चलाएंगे। अरे तो गर्म पानी पियो, जिंजर टी पी लो, बहुत है। और क्या चाहिए, बॉडी को सिर्फ गर्म पानी की जरूरत होती है, चाय की इतनी जरूरत नहीं होती, वो हमने आदत डाल दिया सी। तो कौन रहा है? हाँ, चाय पता ट्रैवलिंग में क्या होता है, नींद नींद आती है ड्राइवर करते टाइम, तो इसलिए पी लेते हैं। यहाँ कौन सी नींद आ रही है? बात मारूंगी, तू यो गएगा चाय छोड़ दो, तो मैं चाय छोड़ दूंगा। पहले तू अपनी बिल्कुल बॉडी ऐसा कर ले कि हाँ मैं मान लूंगी बात। मैं नहीं, मैं कहूँ ओह यही मेरा बेटा नहीं, बेटा था तो है, अभी तो ये मेरा भैया है। पर अब मतलब एकदम मुझे लगा कि हाँ भाई जिस लिमिट ले तो मैं वैसे ही जाऊँ, तो चाय छोड़ दूंगा। ठीक है, ध्यान रखना, अभी भी ठीक हूँ भाई, अभी भी नहीं तो पेट ज्यादा। ठीक है ठीक, 3 महीने बताऊंगा, 3 महीने लगेंगे। मैं थोड़ा ट्रैवलिंग का, अगर ट्रैवलिंग नहीं होता तो चलो ठीक है, 3-4 महीने में लास्ट। ये तो बहुत नाइस भाई। मतलब तुम चाय नहीं छोड़ोगी, ये कहना चाह रही हो? चार मम्मी कह रही है तुम भाई लगते हो, मम्मी के तो बहुत लोगों ने बोला नहीं है कि तुम जो इसके बड़ी बहन लगती हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं बोला। पहले पूछ ले, वो पहले अब थोड़ी, अब तो बुढ़ापा आ गया था ना, जब मैं ज्यादा मोटा था, बुढ़ापे में क्या आ गया, दांत टूट गए, पेट निकल गया, पेट के बाल सफेद रह गए, बाल सफेद होना गए, पेट निकल गया, पेट गुड मॉर्निंग गाइज, आज है भैया दूध, एक्सरसाइज हो चुकी है हमारी, और आज मैंने एक नई चीज एक्सपीरियंस की अपने जिम में। तो आई मैं इतना ध्यान देती नहीं थी, बट आज दिवेश मेरे साथ गया था तो मुझे पता चला कि क्योंकि मैंने जिम अभी भी ज्वाइन किया है, सो मैंने कभी वो जिम वाले एक्सरसाइजेस की नहीं है। मैं थोड़ी डिफरेंट एक्सरसाइज करती थी घर पे, आप लोगों को तो पता ही है, योगा एंड स्टफ। तो वहाँ पर एक ग्रुप है अंकल आंटी का, कुछ अंकल और आंटियाँ आते हैं वहाँ पे, तो दे डोंट डू मच एक्सरसाइज, वो सिर्फ ट्रेडमिल पे करते हैं, थोड़ी हल्की फुल्की एक्सरसाइज करते हैं बस। उनका काम है कि जिम में जो जो बच्चे आते हैं, जो भी लोग आते हैं, उनको देखना, उनके बारे में बातें करना और हंसना। तो एक्सरसाइज थी जो कि मैं गलत करी थी, जंपिंग वाली, मुझे नहीं पता था कि मैं गलत कर रही हूँ, बिकॉज वहाँ पे शीशा भी नहीं था और मैंने पहले कभी करी भी नहीं थी। तो दिवेश ने मुझे बताया कि तू गलत कर रही है, तो सही कर लेना। तो फिर दिवेश ने मुझे बताया कि ये लोग यहाँ पे बैठ के बातें कर रहे हैं, कि ये डांस कर रही है, कि एक्सरसाइज कर रही है, मतलब एक तरीका होता है कहने का कि चलो ये बंदी गलत कर रही है, उसकी हेल्प कर दो, या फिर मतलब बोलो कि शायद ये गलत कर रही है वाली एक्सरसाइज, दैट इज क्रिटिसिज्म, है ना। एक होता है मजाक उड़ाना, मतलब एंड यू कीप लाफिंग, वो चीज़ बहुत अजीब लगी, मतलब मुझे, मैं ध्यान नहीं देती, जनरली मुझे लगता था कि जो भी कर रहा है कोई बात नहीं, बट आज मुझे दिवेश ने बताया कि वो ऐसे बोल रहे थे। दिवेश ने सुना, दिवेश कोई एक्सरसाइज कर रहा था तो उसने सुना और फिर उसने मुझे बताया, तो आई वॉज लाइक ओके, मुझे क्या ही फ़र्क पड़ता है कौन क्या कह रहा। तो वही मैं आपको कहना चाह रही थी कि मैंने बहुत सारे लोग, अभी मैंने बोहो गर्ल का एक इंटरव्यू देखा था, उसमें उन्होंने बोला कि 4 साल तक उन्होंने कोशिश की जिम जाने की, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस बिहेवियर ऑफ पीपल वो बंदी जिम नहीं जा पाई। वो उसने बोला कि मैं घर पे एक्सरसाइज कर लूँगी लेकिन मैं जिम नहीं जाऊँगी। उन्होंने शायद कुछ फेस किया होगा, कुछ भी हुआ होगा, आई डोंट नो, बट ये जो लोग होते हैं जो इस तरीके की हरकतें करते हैं जिम में, यू कैन हेल्प पीपल यार, अगर तुम्हें लग रहा है वो गलत कर रहे हैं उनकी हेल्प करो, दे नीड हेल्प, वो नए हैं। मैं ऑब्वियसली अपने ट्रेनर से पूछती हूँ, उनसे बोलती हूँ कि भाई एक बार मेरा पॉस्चर देख लो, बट क्योंकि वो मेरे पर्सनल ट्रेनर नहीं है तो उनके पास और भी बहुत सारे काम होते हैं, तो वो चीज़ें भी देखते हैं, एक्सरसाइज बता के मुझे वो चले जाते हैं। तो फिर मैं बाद में अगर थोड़ा बहुत गलत करती हूँ तो वो मुझे अगर आगे देख लेते हैं तो बता देते हैं। तो सेम विद द पीपल अराउंड देयर, क्योंकि अगर वो इतने टाइम से जिम कर रहे हैं तो यू कैन हेल्प पीपल, यू कैन हेल्प पीपल आउट देयर, उनका मजाक उड़ाने के बजाय आप उनकी मदद भी तो कर सकते हो। तो वो चीज़ लोगों को बहुत चैलेंजिंग लगती है, बट मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि अगर आप इस चीज़ की वजह से जिम नहीं जा रहे, देन इट्स ओके, ये सबके साथ होती है, आपको जाना चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता कौन क्या बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, इट डजेंट मैटर, क्योंकि आप कोई भी नई चीज़ करोगे तो आप सीखोगे, आप पहले गलत ही करोगे तभी आप सही करना सीखोगे, एंड दैट हैपन्स विद एवरीबडी। आई थिंक जब मैंने एडिटिंग करना सीखा था, कैमरा संभालना सीखा था, मुझे कुछ नहीं आता था, मुझे कुछ नहीं पता था इसके बारे में, सो मुझे आज ये चीज़ लगी, मुझे लगा कि आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहिए कि कुछ भी नई चीज़ ट्राई करने से कभी मत डरना, सिर्फ इस डर से कि लोग आपको जज करेंगे, बिकॉज इट्स गोना हैपन, आप कुछ भी करोगे हर चीज़ में जजमेंट मिलेगा, इट्स ओके, इट्स फाइन, तभी तो आप कुछ अच्छा कर पाओगे जब आप नीचे से स्टार्ट करोगे। सो यही मोटिवेशन आज का मुझे मिला कि लोग क्या कहते हैं इस पर आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, एंड इट्स अ स्ट्रॉन्ग पॉइंट कि अगर कुछ लोग उस चीज़ से घबराते हैं तो आपको घबराना नहीं चाहिए, सब कुछ करो जो करना है करो, गलतियां करो यार, एक बात करो, छोटा बच्चा होता है वो बोलना सीखता है पहले गलत बोलता है, वो चलना सीखता है पहले गलत तरीके से चलता है, हम लोग उसको देख के हंसते हैं, खुश होते हैं,
तो वही वाली चीज है, सेम आप यही समझ लो कि दूसरे वाला बंदा फिर सिर्फ वही कर रहा है जो हम एक छोटे बच्चे के साथ करते हैं. तो बी पॉजिटिव इन लाइफ एंड इस तरीके के लोगों को अपने दिमाग से दूर रखो. सेम विद मी, मैंने भी यही चीज़ अपने अंदर लाइक महसूस की है. पहले अगर ये चीज़ हुई होती ना आपसे 2-3 साल पहले तो मैं बहुत डिप्रेस्ड हो जाती, मुझे लगता कि यार मेरा मजाक उड़ाया, मैं वो दोबारा एक्सरसाइज नहीं करूँगी, मैं ये नहीं करूँगी, वो नहीं करूँगी, मैं जिम नहीं जाऊँगी. बट मैंने अपने अंदर ये मेजर चेंज देखा है कि मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे लगता है कि मैं सीख जाऊँगी, अगर मैंने गलत किया तो मैं ठीक कर लूँगी, इट्स ओके, जिसको जो बोलना है बोलते रहो, इट डजंट मैटर. तो ये था आज का एक अच्छा सा थॉट जो कि मुझे यार मुझे लगा आपके साथ शेयर कर दूँ. अभी मैंने गीजर ऑन कर दिया, मैं नहाने जा रही हूँ रूरू के साथ, और ये रूरू का ड्रेस है जो कि मुझे भी थोड़ा सा ठीक करना है क्योंकि इसके स्लीव्स थोड़े ढीले हैं. ये मैंने अमेजोन से मंगाया था उसके लिए क्योंकि उसकी बुआ आ रही है आज प्रिया, और रक्षाबंधन नहीं भैया दूज है, तो उसके लिए मुझे भी रेडी होना है, रोज को भी रेडी करना है.